मेरा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको खाने लगे हैं। चिकन टिक्का के लिए ये मैंने चिकन को सारे ड्रम स्टिक को मैंने कट्स लगा लिए हैं, अच्छे से डीप कट लगाए हैं ताकि अच्छे से इसका मसाला अंदर तक जाए। और ये मैंने लिया है लीमू, लीमू का रस लिया है 4 टेबलस्पून भर के, या एक प्याली भी आप ले सकते हैं, ये मेरे पास प्याली थी। और 2 टेबलस्पून भर के सिरका, 2 टेबलस्पून भर के ऑयल, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, चुटकी से मतलब हाफ, थोड़ा सा ये जर्दा रंग है, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, और ये है मेरे पास टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले लें। इसको मैं अच्छे से सबको मिक्स करूँगी और इसको मिक्स 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 करते हैं। बहुत मज़े का बनेगा ये। इसको आपने अच्छे से इसका मसाला जो है वो ड्रम स्टिक के अंदर अंदर ऐसे लगाना है ताकि ये मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट से बने। और ये मेरे सब घर वालों को भी बहुत पसंद है और गेस्ट को भी बहुत पसंद आते हैं। जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं तो मैं इसको लाजमी बनाती हूँ। आज भी आए हुए हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है ताकि ये सारी इसकी अंदर अंदर जो कट्स लगाए हैं वो अच्छे से इसके कट्स अंदर तक, ये सारा मसाला उसका अच्छे से अंदर तक लगे। ज़्यादातर लोग इसमें दही नहीं डालते, लेकिन दही डाल के इसका बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, इसलिए मैं इसमें दही लाजमी डालती हूँ। मेरी छोटी बहन कहती है ये टंगड़ी है, टंगड़ी को टंगड़ी बनाई है तुमने कि टंगड़ी काट। ये मेरी टंगड़ियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारे मसाले में। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर इसको फ्राई करूँगी। डाल दिया ऑयल, ऑयल मेरा हो गया गर्म। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। जितना इसमें पोर्शन डल जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी। आग भी मैंने इसकी इतनी रखी हुई है सही में तेज करने लगी इतना ताकि मसाला इसका उतरे ना। तो मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें ये दिखा, इसको जब आपने डालना है तो इसको यहाँ से मसाले अच्छी तरह इसका डिप करके फिर इसको डालना है ताकि ये सारा मसाला इसमें अच्छी तरह कोट हो जाए। बस इसमें भी इतने ही आएंगे, फिर मैं बाकी दोबारा डालती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी मसाला ताकि अच्छे से मसाला लग जाए सारा। और इसको थोड़ा सा मैं और ब्राउन करूँगी फिर उतारूँगी। ये बहुत अच्छे से मेरे ब्राउन हो रहे हैं। ओह मज़ेदार, ये बेटी कहते दिया आहा। हो गई है मेरी रेडी है, मैं इसको निकालने लगी और अगला पोर्शन डालूंगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह गिर जाएगी, ऐसे निकाल रही हूँ। और कैसे निकालते हैं, चलिए इसके ऊपर हम गार्निश करते हैं। टिक्का मेरा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसको खाने लगे हैं। आप इसके ऊपर लेमन ऐसे स्क्वीज करके फिर खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं पहले खुद खा के देख लूँ। बहुत मज़े का बना है। और कैमरामैन के मुँह में भी डालते हैं ना। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खाते खाते हमें याद करें। अल्लाह हाफिज़।